देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा, और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बनाई, उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो, उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा, और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं होगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए, और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे, इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे।